हेलो एवरीवन, आज हम 3.3 चैप्टर पर आ गए हैं। लोकल एंड रीजनल थिएटर फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास लिविंग एग्जांपल है ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब हम देखेंगे डिफरेंट थिएटर्स डिफरेंट कम्युनिटीज़ द्वारा डिफरेंट स्टेट्स में कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से हैं इम्पॉर्टेंट, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इंडियन सोशल सिस्टम में जो ये थिएटर्स हैं वो लिविंग ट्रेडिशंस का फॉर्म है, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं उनके आइडियल्स को सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो ये जो है एक्टिव डायलॉग, पोट्री, ठीक है, और म्यूज़िक, इन सब के जो है से बना होता है इंडियन थिएटर, ठीक है। और ये स्टार्टेड किया गया था नरेटिव फॉर्म्स में। उसके बाद रिसाइटेशंस होती हैं, मींस वो बोलते हैं, फिर डांस करते हैं, फिर म्यूज़िक बजाया जाता है, ठीक है। और जो थीम्स होती हैं इनकी सोसाइटल बेस भी हो सकती हैं और जो है रिलीजियस बेस भी हो सकती हैं। और इसमें स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी शो करते हैं वो अपनी, ठीक है, जो कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के ऊपर होती हैं। और जो एक्सप्रेशन इमोशंस जो है वो किससे लिए जाते हैं, जो सोसाइटी में हो रहा होता है उससे। और ये क्लासिकल फॉर्म्स का रूट नहीं है, ये सोशल सिस्टम का रूट कॉज है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये सोसाइटी के ऊपर बेस होती है, ना कि क्लासिकल जो हमने ऊपर पहले पढ़े थे ना उनके ऊपर नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि ट्रेडिशनल थिएटर्स जो होते हैं वो कब परफॉर्म करते हैं। ये पहली बात तो फेस्टिवल्स में कर सकते हैं, रिचुअल ऑफरिंग्स में कर सकते हैं, कहीं गैदरिंग करके भी कर सकते हैं, वैसे ही प्रेयर्स के टाइम कर सकते हैं। और ये भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होगा, वो ऑल ओवर द मींस जो ईयर होता है, थ्रू आउट द ईयर तब भी वो परफॉर्म कर सकते हैं। लोकल लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं, बिलीव, सोशल विजडम, इमोशंस, ये सब इनमें कॉमन होते हैं, ठीक है। और एंटरटेनमेंट ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशन इसमें दिखता है। उसके बाद आता है अर्लियर संस्कृत जो थिएटर था वो इमर्ज हुआ, जिसमें अश्व घोष, कालिदासा, विशाखा दत्ता, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। लेकिन बाद में डाइवर्जेंस के कारण जो है वो पोल्ट्री, रिस्ट्रिक्टेड क्रिएटिव स्पेसेस, लॉस ऑफ पॉपुलैरिटी, एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूरल, इन सब के कारण जो है डिक्लाइन आना शुरू हो गया संस्कृत थिएटर में। लेकिन बाद में फोक थिएटर जो है वो डिवेल्प होने शुरू हो गए रिच ट्रेडिशन ऑफ इंडिया को, जो कि रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ गई, पहले संस्कृत थिएटर था जब इनका टाइम था, कालिदासा का, अशोक घोष का, विशाखा दत्ता का। लेकिन बाद में जैसे जैसे मुस्लिम आने शुरू हो गए तो इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। अब हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर के बारे में बात करेंगे और देखते हैं ये कहाँ कहाँ से है। पहला आता है भवाई, जो कि गुजरात एंड राजस्थान से बिलोंग करता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे ये परफॉर्म करते हैं। कच्छ और कथियावार, जो कि गुजरात और इसमें राजस्थान में है, ये मेन सेंटर्स हैं। और डिवोशनल एंड रोमांटिक सेंटिमेंट्स जो है इसमें शो किए जाते हैं परफॉर्मर्स के द्वारा। और जो डांस है उसमें नरेट भी की जाती हैं, मतलब बोली भी जाती हैं। सीरीज़ जो है स्मॉल प्लेज होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, वेशा और स्वंगा, ठीक है। और ये सेमी क्लासिकल म्यूज़िक जो है इसके साथ बजाया जाता है, और तबला, भुंगल, ठीक है, रबाह, सारंगी, मंजीरा, ठीक है, ये सभी भी इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पक्का वाज ये भी है साथ में, तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक दो भी याद कर लेंगे, लेकिन आपको नाम सुने होने चाहिए, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, इनके ऊपर भी एक आगे जाके लेक्चर आएगा, तो अभी के लिए एडजस्ट कर लीजिए, एक दो याद रख लीजिए, सारंगी, तबला जो आपने देखा भी होगा, मंजीरा वगैरह, ठीक है। और जो बाकी नहीं याद हो रहे, दोबारा देखेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर पे भी जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि कौन कौन से हैं, तो आपको पिक्चर देख के भी पता चल जाएगा। उसके बाद नौटंकी नेक्स्ट आता है, और ये उत्तर प्रदेश का है, और इट इज़ एन ऑफशूट ऑफ स्वांग, और ये मेंशन्ड है, मतलब नौटंकी का जिक्र किया गया है अबू फैज़ल की एने अकबरी, जो उसने बुक लिखी थी उसमें इसका जिक्र आता है। और थीम्स जो हैं वो हिस्टोरिकल, सोशल, फोक टेल्स, ये सभी हैं। डांस एंड म्यूज़िक के थ्रू ये डिलीवर किया जाता है। कानपुर, लखनऊ, हथरस
हथरस जो है ये इसके पॉपुलर सेंटर्स हैं जहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है। जो डायलॉग डिलीवर्ड किए जाते हैं लिरिकल फैशन में ड्रम की बीट के साथ साथ उसे नगाड़ा बोला जाता है, ठीक है। जो डायलॉग जो वो डिलीवर करते हैं ड्रम की बीट के साथ साथ करते हैं उसे नगाड़ा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रासलीला पिक्चर में देखिए, उत्तर प्रदेश का पॉपुलर है थिएटर, ठीक है। और लॉर्ड कृष्णा के ऊपर इनकी जो थीम्स बनाई जाती हैं और थिएटर में डायलॉग्स वगैरह सॉन्ग सीन्स ऑफ प्रैंक्स ऑफ कृष्णा, ठीक है। कृष्णा के ऊपर है तो कृष्णा के ऊपर ही थीम्स होंगी ना, ठीक है। और भांड पत्थर ये नया आ गया जो कि कश्मीर का है और इसमें यूनिक फीचर है डांस ड्रामा एक्टिंग, जैसे ये देखिए एक्टिंग कर रहे हैं पिक्चर में। और सुरनई नगाड़ा ढोल ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो साथ साथ बजाए जाते हैं, मेनली बाय परफॉर्म्ड बाय द फार्मिंग कम्युनिटी। फार्मिंग जो फार्मिंग से जुड़े होते हैं लोग, एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, वो इसे परफॉर्म करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं आइडियाज़ जो कि जैसे वो रहते हैं सोसाइटी में, वे ऑफ लिविंग उसे ही ये दर्शाते हैं। उसके बाद आता है स्वांग जो कि हरियाणा पंजाब का पॉपुलर थिएटर है, म्यूज़िकल ड्रामा जो है ये है, उसके साथ साथ कुछ बोलियां वगैरह भी डाली जाती हैं। एक तारा हारमोनियम सारंगी ढोलक कर्था जो है इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं। रोहतक एंड हथरस जो है इम्पॉर्टेंट स्टाइल्स हैं स्वांग के जो कि हरियाणा एंड पंजाब का है। नेक्स्ट आता है मार्च जो कि मध्य प्रदेश का थिएटर है। मार्च जो है इसका मतलब यही होता है यूज फॉर द स्टेज एज वेल एज टू प्ले करना है, ठीक है। बेस्ड ऑन द माइथोलॉजिकल थीम्स होती हैं, रोमांटिक फोक टेल्स भी इसमें ऐड किए जाते हैं और सॉन्ग्स जो होते हैं उनकी इम्पॉर्टेंस बहुत होती है डायलॉग्स के बीच में, मीन्स डायलॉग बोलेंगे और फिर सॉन्ग्स बोलेंगे, ऐसे चलता रहता है इनका, ठीक है। और डायलॉग्स इन दिस फॉर्म जो डायलॉग्स होते हैं उसे बोल बोलते हैं, रिदम जो होता है जो ये बोल रहे होते हैं उसमें जो रिदम होता है उसे वनाग बोलते हैं, और जो ट्यून होती है थिएटर की वो उसे बोलते हैं रनगाट, ठीक है। ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। डायलॉग को बोल बोलना है और रिदम को राइम को मीन्स राइम को बोलना है वनाग और ट्यून को बोलना है रंगात, ठीक है। उसके बाद आता है ये पिक्चर में देख सकते हैं अनकिया नाट जो कि असम का है और ये शंकरा देवा ने स्टार्ट किया था जो कि डिसाइपल थे महादेवा के 16th सेंचुरी में। एक बात ध्यान रखिए, जैसे अनकिया है ना तो ए असम ऐसे याद कर लीजिए, कनेक्ट करके आप सोचेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अनकिया असम का, शंकरादेवाचार्य ने इसे स्टार्ट किया था जो कि डिसाइपल थे महादेवा के 16th सेंचुरी AD में स्टार्ट हुआ था। कल्चरल ग्लिम्प्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मथुरा, वृंदावन इन सब के थिएटर की एक झलकियाँ दिखाई जाती हैं, कल्चर झलकियाँ दिखाई जाती हैं, ग्लिम्प्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। नरेशन बिगिंस विद द स्टोरी ऑफ संस्कृत और बाद में ब्रज बोली और आसामीज भी साथ में बोली जाती है, मीन्स स्टार्ट जो होता है ये थिएटर संस्कृत भाषा में होता है लेकिन बाद में ब्रज भाषा और आसामीज लैंग्वेज का भी को भी यूज़ किया जाता है। नरेटर जो होते हैं इसमें उसे सूत्राधार बोला जाता है जो कि ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के साथ मतलब बोलते हैं, वो नरेट करते हैं। और जो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होते हैं उसे ज्ञान ब्यान मंडली बोला जाता है जो कि प्ले करते हैं कोल एंड सिंबल्स, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ मास्क का भी यूज़ किया जाता है जब ये परफॉर्म करते हैं। एक बार पिक्चर में देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे तो ये भी यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम दश अवतार, ठीक है। ये गोवा एंड कोंकण रीजन में जो है वो फेमस है। 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु के बारे में ये थीम्स होती हैं। गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी आर पर्सोनिफाइड बाय द परफॉर्मर्स। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम मेकअप परफॉर्मेंस विद द मास्क ऑफ वुड एंड पेपर मार्क, देखिए आप इसमें भी देखिए मास्क पहने हुए हैं दश अवतार थिएटर में जो कि गोवा एंड कोंकण का है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कृष्णा नट्टम जो केरला से है। देखिए हमने जब क्लासिकल डांस फॉर्म किया था तब भी कथकली पढ़ा था ना, उनका जो फेशियल जो किया जाता था, मेकअप किया जाता था, वो भी कुछ ऐसा ही था देखने को, ठीक है। तो वो भी केरला से था। अब ये कृष्णाट्टम है ये भी जो है वो केरला से है। ये 17th सेंचुरी में एग्जिस्ट हुआ था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द कैलिकट किंग मनावदा, ठीक है। मनावदा किंग हुए हैं उनके अंडर ये
जो है वो डेवलप हुआ। नरेट द, ये क्या नरेट करते हैं, बर्थ, चाइल्डहुड प्रैंक्स जो होते हैं, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। देखिए जब हमने वो किया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया क्लासिकल में कथकली किया था, उसमें भी वैसी पिक्चर थी जैसे हमने अभी इसकी देखी, तो उसमें भी गुड ओवर इविल की ही बात की गई है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो केरला वाले हैं वो गुड ओवर इविल के ऊपर ही इनकी थीम्स होती हैं, ठीक है। परफॉर्म फॉर 8 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 8 दिन लगातार चलता है ये। डिफरेंट प्लेज होते हैं, अवातरम और कालिया मंडाना, रसाक्रीदा, ठीक है, कामा सवधा और स्वयंवरम, और ये सभी हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। डिफरेंट प्लेस हैं, इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि कृष्णा अट्टम कहाँ से है, केरला से है, और मानवदा के अंडर ये जो है वो पीक पर पहुँचा, डिवेल्प हुआ, ठीक है। और थीम्स वगैरह पता होनी चाहिए गुड ओवर इविल के ऊपर होती हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कौन कौन से प्ले होते हैं ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है यक्षा गाना, ये कर्नाटका का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ओल्डेस्ट थिएटर है, बहुत पॉपुलर है। विजयनगरा एम्पायर के टाइम पे ये डेवलप हुआ, एमर्ज हुआ, और परफॉर्म किया जाता है जकुला वरु कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है कर्नाटका में जकुला वरु, उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। पिक्चर में भी आप देख लीजिए, ये है यश का गाना थिएटर को परफॉर्म करते हुए आर्टिस्ट, और डिस्क्रिप्टिव डांस ड्रामा है, और जैसे ये शाम को शुरू हो जाता है फिर सुबह तक ये चलता रहता है, ठीक है। प्रेजेंटेड फ्रॉम द डस्क टू डॉन, जब सुबह सूरज की किरण निकलती है तब तक ये परफॉर्म करते हैं। स्टोरीज जो ड्रॉन की जाती हैं वो रामायण महाभारता एपिक्स जो होते हैं ना हिंदू के एंड हिंदूइज्म के एंड जैनिज्म के, उनसे इनकी स्टोरी जो है वो डिराइव की जाती हैं। उसके बाद आता है थेरू कूथ, एक डांस फॉर्म है जो कि थिएटर पॉपुलर फोक डांस ड्रामा है तमिलनाडु का, और इसका मतलब थिरुकूट का मतलब ही होता है स्ट्रीट प्ले, और ये एनुअली परफॉर्म किया जाता है, टेंपल फेस्टिवल है, और मरियमन जिसका मतलब होता है रेन गॉड, ठीक है, फॉर द रिच हार्वेस्ट, उनके लिए मतलब रेन गॉड के लिए, इंद्र के लिए ये परफॉर्म किया जाता है, उनको ये बोलते हैं मरियमन, ठीक है। वेरियस थीम्स होती हैं इसके अंदर जो कि बेस्ड होती हैं द्रौपदी इन द हिंदू एपिक महाभारता, जो कि द्रौपदी थी ना एक थी जो कि महाभारता में थी, उनके ऊपर ही थीम्स होती हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉन्ग म्यूज़िक डांस ड्रामा, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। हारमोनियम ड्रम सिंबल्स ये जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोडियट्टम की, अगेन याद रखना है संस्कृत थिएटर है, ट्रेडिशन ऑफ द केरला, केरला से बिलोंग करता है। उसके बाद चकयार एक्टर को बोलते हैं, और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को बोलते हैं नाबियार, और नंगियार बोलते हैं जो कि वुमेन का रोल प्ले करती है। इस पिक्चर में भी देखिए एक वुमेन भी दिख रही है, तो उसे हम बोलेंगे नंगियार, ठीक है। ये मेन करेक्टर है कोडियट्टम के, और इसमें जो है नरेटर को अगेन सूत्राधार बोला जाता है। ये हमने पहले भी एक पढ़ा है ना केरला का, उसमें भी ये बातें आई हैं, और विदूषक जो है जेस्टर्स हैं, डायलॉग जो है वो बोले जाते हैं विदूषक के द्वारा ही, ठीक है, वही बोलते हैं डायलॉग्स। हैंड जेस्टर्स एंड आई मूवमेंट्स जो होता है इस थिएटर फॉर्म का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद ये वाला आप पिक्चर में एक बार ही देखिए, आगे इस पिक्चर में देखिए एक धनुष सा टंगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर ही है, इसका नाम विलू पट्टू। ये तमिलनाडु एंड केरला का म्यूजिकल थिएटर पॉपुलर जो है तमिलनाडु एंड केरला का। विलू पट्टू का मतलब ही क्या होता है, बो सॉन्ग मीन्स बो, मैंने क्या होता है वो धनुष बाण होता है ना वो, यूजिंग अ बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट, ये बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, और रामायण की जो है वो स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मुदियेट्टू। मुदियेट्टू अगेन फ्रॉम केरला, और ये ट्रेडिशनल फोक थिएटर है केरला का, और परफॉर्म्ड इन द मंथ ऑफ रिचिगम, जिसका मतलब होता है नवंबर और दिसंबर के महीने में ये मनाया जाता है, और काली टेंपल में ही मनाया जाता है, सिर्फ काली टेंपल मींस जो काली माता गॉडेस हैं उनके ऊपर इनकी जो है थीम्स होती हैं। और पार्ट, ये पार्ट है मुदियेट्टू जो है पार्ट है भद्रकली कल्ट का, और
उसके बाद ये बताया कि इट डिपिक्स द ट्रिम्फ ऑफ गॉडेस भद्रा काली ओवर द असुर दरिका, मतलब जो काली माता ने असुर के ऊपर जब विजय प्राप्त की थी उसकी जो है वो थीम्स बनाई जाती हैं और परफॉर्म किया जाता है। मुदी येतु जो है परफॉर्म किया जाता है मरार और करुपू कम्युनिटी, ये दो कम्युनिटी है जो कि इन्हें परफॉर्म करती है। शिवा नराडा और दरिका ये सभी जो हैं सेवन करेक्टर्स हैं। दानवेंद्रा, भद्राकाली, कोली, कोम्बीदार, ये जो है सेवन करेक्टर है मुदी येतु के। ठीक है, एक बारी पढ़ लीजिए बस इन्हीं सेवन करेक्टर्स को, कोई इतना डीप में नहीं आपसे पूछने वाला कि सेवन करेक्टर्स में कौन था। ठीक है, और 2010 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2010 में मुदी येतु को जो है यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल कर लिया गया था। पहले कोडियट्टम को भी किया था, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना कोडियट्टम, जो कि केरला से बिलोंग करता था उसे, और ये भी केरला से है ना, इन दोनों को जो है वो 2010 में यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में जो है शामिल कर लिया गया है ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, अब कुछ और देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिएटर्स है। कला ऑफ वैश्वनेट ट्रेडिशन भुक्ता इन कर्नाटका, दशा थिया इन ओडिशा, गरोदास इन गुजरात, जात्राज इन ईस्टर्न इंडिया वही उड़ीसा वाली साइड में, और काली इला इन हिमाचल प्रदेश, पौड़ा इन महाराष्ट्र, बुरा कथा इन आंध्र प्रदेश, बयालता इन कर्नाटका, कुरुवंजी इन तमिलनाडु। ठीक है, ये तो थे हमारे पास थिएटर फॉर्म्स, और अभी तक हमने जो हैं वो क्लासिकल डांस, फोक डांसेस, थिएटर्स वगैरह सब पढ़ लिए हैं। और इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है ना, वो आती है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में किस किस का नाम जो है वो शामिल हो गया है। तो एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपको यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो पहला जो है वो है, सॉरी वन सेकेंड, तो पहला जो है वो है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। ठीक है, जिसे 2008 में जो है वो ऐड किया गया था। उसके बाद दूसरा है रामलीला, ये भी आपको याद रखना है, रामलीला कुतियट्टम, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, कुतियट्टम किसका था, केरला का, इसे भी 2008 में ऐड किया गया था। उसके बाद रमन आता है, इसे भी ऐड किया गया, ये आपको कुछ याद होने चाहिए, ये इंटेंजिबल यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो है ऐड किए गए। उसके बाद मुदी येतु जो कि हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, कालबेलिया, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कालबेलिया ये राजस्थान से बिलोंग करता है, और ये जो है वो इसमें इसका मतलब ही क्या होता है, सांप जैसे परफॉर्म करना, जैसे सांप बल खाता है ना, जैसे बीन बजाते हैं तो सांप नहीं परफॉर्म करता, ठीक है वैसे। और उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद कौन सा आता है हमारे पास, छऊ, इसके बारे में भी हमने बात की थी, छऊ डांस को भी ऐड किया गया था 2010 में। और उसके बाद आता है संकीर्तना जो कि 2013 में ऐड किया गया था। ठीक है, और एक होता है थरेराज, ये पंजाब का है, और इसमें यूटेंसिल्स मेकिंग, जो बर्तन बनाते हैं वो कम्युनिटी है, ठीक है पंजाब की, तो इसे ऐड किया गया था 2014 में। और उसके बाद योग को भी अब ऐड कर लिया गया है, योगा को किया था 2016 में। और रिसेंटली जो है एक और चीज़ थी जो 2016 में हुई थी, नवरोज़ को भी किया गया था 2016 में। और जो 2017 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ये है कुंभ मेला। बस इससे बार आपको नहीं पूछेंगे, अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इसी के ऊपर बनते हैं। अभी तक जो थिएटर फोक डांसेस वगैरह हमने पढ़े हैं, और ये जो मैंने आपको बताए हैं 13 जो हैं इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में यूनेस्को की ऐड हुई हैं, यही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसे देखिए, दोबारा रिवाइज़ कीजिए, तो आपको लर्न होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट चैप्टर में अब हम पहुंच जाएंगे इंडियन म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।